टीएमसी ने लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। अधीर रंजन के खिलाफ पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट मिला है। बसीरहाट की सांसद नुसरत जहां का टिकट कट गया। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को पर्ल डायमंड से उम्मीदवार बनाया गया है। महुआ मोइत्रा को कृष्णानगर से टिकट मिला। वहीं महुआ मोइत्रा जिन्हें संसद से बाहर कर दिया गया अब एक बार फिर से मैदान में है। अधीर रंजन के खिलाफ टीएमसी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है और नुसरत का टिकट हालांकि कट गया। वहीं महुआ मोइत्रा पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है और उन्हें कृष्णानगर से टिकट मिला। तो एक बात तो बिल्कुल साफ, ममता का एकला चलो अब ये दिख रहा है क्योंकि कांग्रेस के साथ कोई समझौता बनता नजर नहीं आ रहा है। जिनका जिनका टिकट कटा उनके नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती जिनका टिकट कट चुका है। वहीं आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को उतारा गया है, कीर्ति आजाद, अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा, यूसुफ पठान। यूसुफ पठान वो नाम जिन्हें अधीर के खिलाफ मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है ममता ने।